नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक सर, मैथमेटिक्स में अभिषेक सर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक होगा हमारा जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है, जैसे ड्यू चैट अभी जून में होने वाला है, जो बच्चे ट्वेल्थ क्लास जिनका रिजल्ट आ गया है ट्वेल्थ क्लास का, तो ड्यू चैट से BMS बहुत सारे बच्चे करते हैं सुखदेव कॉलेज, और बैंक SSC तैयारी करने वाले बच्चे, NABARD का पेपर देने वाले बच्चे, रेलवे, LIC AO, LIC DO, जितने भी एंट्रेंस एग्जाम आप जानते हो, SSC CGL हो या ट्वेल्थ लेवल हो, इन सब के अंदर ये हमारा रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक का नाम है जी कोडिंग एंड डिकोडिंग। इस चैप्टर का नाम है हमारा कोडिंग एंड डिकोडिंग। सबसे पहली बात मैं आपको इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कोडिंग और डिकोडिंग, ये चैप्टर जो है हमारा, ये कंप्लीट इंग्लिश अल्फाबेट जितने भी 26 लेटर्स हैं उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। अगर आपको अल्फाबेट्स की नंबर, जैसे मैं पूछता हूँ बी का पोजीशन क्या है, बोल दो 2, डी का पोजीशन क्या है, बोल दो 4, तो ए से लेकर जेड तक के सारे लेटर्स का पोजिशन क्या है 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर 26 तक, ये आपको आना चाहिए। इसको याद करना आसान नहीं है, बट इसका कोई ना कोई तरीका है जिससे हम जान पाएंगे कौन से लेटर का क्या पोजीशन है, पहली बात। दूसरी बात कि कोडिंग एंड डिकोडिंग से किसी भी एग्जाम में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 to 5 क्वेश्चन आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग के मिलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही आसान टॉपिक है। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि ये कोडिंग है क्या। कोडिंग है क्या, अपने पास कोई भी एक मीनिंगफुल वर्ड है जिसका कुछ ना कुछ मतलब निकलता है। जैसे मैं मीनिंगफुल वर्ड बोलता हूं वाटर, आपको पता है इसका मतलब पानी है। और सपोज मैंने वाटर को कुछ सिंबल से डिनोट किया, मैं सपोज वाटर के बदले डॉलर लिख रहा हूँ, ए के बदले हैश लिखा, टी के बदले मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, ई के बदले मैंने सर्कल किया, और आर के बदले मैं रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी आप समझ सकते हो। तो ये एक मीनिंगफुल वर्ड था, ये हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड था, लेकिन इस मीनिंगफुल वर्ड से, ये हमारा एक मीनिंगफुल वर्ड था बट ये जो मैंने फॉर्म तैयार किया, ये जो मैंने कोड किया, ये हमारा मीनिंगलेस है। कोई भी इसको देखकर नहीं बता सकता कि ये, कोई भी इसको देखकर नहीं बता सकता कि इसका मतलब है क्या। कहने का मतलब, अगर मीनिंगफुल वर्ड से मीनिंगलेस वर्ड बनाऊंगा, इसको कोड करना कहते हैं, कोडिंग करना कहते हैं, और अगर मीनिंगलेस से मीनिंगफुल वर्ड वापस मैं आऊंगा तो उसको डिकोड करना कहते हैं। बहुत जगह इसका यूज है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर किसी को कोई मैसेज नहीं देना है, ठीक है ना, वैसा मैसेज जो कि हर किसी को ना चल पाए पता, हम लोग नॉर्मली जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वहां इसको कोड करके कन्वर्ट करके भेजा जाता है। तो सबसे पहले मैं आज आपका टॉपिक जो स्टार्ट करूंगा, आराम आराम से 2 से 3 क्लास में कंप्लीट कर दूंगा इस चैप्टर को। आज हमारा टॉपिक होगा पोजिशन ऑफ लेटर्स, किस लेटर का क्या पोजीशन है ये आपको पता होना चाहिए। पोजीशन ऑफ लेटर्स बोलो आप, अल्फाबेट्स बोलो, किसका क्या पोजीशन है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे हर किसी को पता है ABCD से लेकर आप जब जेड तक लिखोगे ABCD एक्सेट्रा, मैं कुछ भी लिखूं, इसको मैं बोलूंगा ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ई हमारा 5, 6, 7, 8, ऐसे ही ए से लेकर जेड तक 26 से 26 पोजीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलता हूँ जे का पोजीशन क्या है, जे किस नंबर पर आता है, अगर मैं ए से काउंटिंग 1 से स्टार्ट करूं तो, यानी लेफ्ट से अगर मैं राइट की तरफ जा रहा हूं, ए से मैं जेड की तरफ जा रहा हूं, मैं जे का पोजीशन पूछूंगा तो आपको सोचना नहीं है, काउंट नहीं करना है ABCDEFGHIJ, आपको सीधा जवाब देना है जे का पोजीशन क्या होगा, नंबर 1। तो आखिर इसके पोजीशन को याद कैसे किया जाए, इसके लिए मैं आपको 2 वर्ड्स बताता हूं। पहला, फर्स्ट वर्ड मैंने बताया EJOTY, क्या है ये EJOTY? अगर आप ध्यान से देखोगे तो E का पोजीशन 5 होगा, J का 10 होगा, O का 15 होगा, T का 20 होगा और Y का 25 होगा, यानी EJOTY ये 5 लेटर से जो हमारे वर्ड बने हैं EJOTY, इससे आपके 5 लेटर की पोजीशन 5 के मल्टीपल में है। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20 and 5 5 25, को याद रखने से 5 लेटर्स के पोजीशन को आप बड़े प्यार से समझ सकते हो, इसका पोजीशन क्या है।
क्या इसकी हेल्प से मैं और किसी का पोजीशन नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता। सपोज मैंने पूछा आपसे एस का पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ एस, एस का पोजीशन क्या है, ये आपको पता है इजोडी में टी से पहले क्या आता है एस, आप बोल दोगे एस हमारा 19 पोजीशन पर है। इसके हेल्प से मेरी बात को सुना आप ध्यान से। दूसरा मैं एक और वर्ड आपको बताने जा रहा हूँ और दूसरा मैं लिख रहा हूँ सी फिलोरक्स। दो के हेल्प से ही आपने सारे के सारे लेटर्स के पोजीशन को दिमाग में रख लेना है। और सी फिलोरक्स की कहानी कैसी है, तो ये 3 के मल्टीपल में होगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। तो ध्यान से देखो आप इजोटी के अंदर टोटल 5, इजोटी के अंदर टोटल 5 और सी फ्लोरक्स के अंदर टोटल 8, तो 5 और 8, 5 और 8, टोटल मैंने आपको 13 लेटर्स के पोजीशन बता दिए, टोटल 26 होते हैं, तो 13 के आसपास के हेल्प से बाकी भी लेटर्स का मैं पोजीशन देख लूंगा, निकाल पाएंगे आप भी और मैं भी निकाल पाऊंगा। तो दो आपको याद रखना है, एक इजोटी, इजोटी का पोजीशन कैसा चलना है 5, 10, 15, 20 एंड 25, और दूसरा सी फ्लोरक्स, सी फ्लोरक्स चलना है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 एंड 24। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको फिलहाल पोजीशन के बारे में बता रहा हूँ, ये दो मैंने आपको बताया, इसकी हेल्प से मैं कुछ क्वेश्चन को देखता हूँ। जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपके लेफ्ट हैंड साइड से 23rd लेटर कौन सा है, मेरी बात को सुनना, मैं आपको क्या पूछ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड से 23rd लेटर कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड से आपका 23rd लेटर कौन सा है, तो लेफ्ट हैंड साइड से 23rd लेटर कौन सा है, लेफ्ट से चलना है, लेफ्ट से चलना है और आपको बताना है 23rd लेटर कौन सा होगा। क्वेश्चन हमारा ऐसा है, यानी ए से चलना है जेड की तरफ, ये क्लियर है। 23rd आपसे पूछा जा रहा है, नॉर्मल सी बात है, अगर मेरे दिमाग में सी फ्लोरक्स याद आता है या इजोटी, किसी की हेल्प से मैं कर सकता हूँ। अगर मैं अपने दिमाग में लेकर चलता हूँ इजोटी के बारे में, तो इजोटी की क्या कहानी है आप देखो ध्यान से, इजोटी ये था हमारा 5, 10, 15, 20, 25, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 25 से पहले आएगा हमारा 24 और उससे पहले आएगा हमारा 23, और आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो भाई, ये हमारा हो जाएगा W और ये हो जाएगा हमारा X और ये हमारा Y था। आपसे 23rd लेटर पूछा गया, आप 23rd लेटर का आंसर क्या बोलोगे, 23rd लेटर इज W, W इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो लेफ्ट से 23rd, राइट से 15, इसी तरह का, या तो लेफ्ट से राइट चलना है या तो राइट से लेफ्ट चलना है। समझाने के लिए मैंने इजोटी का हेल्प लिया, कुछ टाइम के बाद आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी आप आराम से वन टाइम में बताओगे, मैं पूछूंगा टी, आप लोग अच्छा टी इजो ई जे ओ टी 5, 4, 20, मैं पूछूंगा आई, आप लोग सी फ्लोरक्स सी एफ एल आई, सीधा आप बोलोगे सी एफ एल आई, तो 3, 4, 12, इस तरीके से आप लेटर्स के पोजीशन को बाय नेम में, वैसा कोई भी लेटर जो ना इजोटी में दिखता हो ना सी फ्लोरक्स में दिखता हो, जैसे अभी W कहीं नहीं दिख रहा था तो मैंने इजोटी के Y से हेल्प लिया और मैं W तक पहुंच पाया। आप T से हेल्प लेकर आप W तक पहुंच सकते हो, कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, बस आपको दो, एक इजोटी और दूसरा सी फ्लोरक्स दिमाग में रखना है। नंबर वन, ये तो हुआ पोजीशन ऑफ लेटर, इसका काम क्या है, इसका काम है बड़े बड़े क्वेश्चन में आपको नमनी करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है और वहां से आप बड़े ही प्यार से बहुत ही आराम से आंसर तक, सॉल्यूशन तक पहुंच पाओगे। दूसरी बात, ऑपोजिट लेटर, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑपोजिट लेटर की, मेरी बात को आप सुनो ध्यान से, अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं ऑपोजिट लेटर्स की बात कर रहा हूं। ये ऑपोजिट लेटर्स की कहानी क्या है, ये क्या है ऑपोजिट, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जिस दो लेटर के पोजीशन का सम 27 हो जाएगा वो एक दूसरे का ऑपोजिट है। जैसे मैं बोलता हूं ए का ऑपोजिट क्या होगा, मैं बोलता हूं ए का ऑपोजिट क्या होगा, तो आप बोलोगे ए का ऑपोजिट होगा जेड और जेड का ऑपोजिट क्या होगा ए। कैसे पहचाना, सबसे पहला वाला लेटर सबसे आखिरी वाला लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट होगा, स्टार्टिंग का दूसरा वाला लेटर सेकेंड लास्ट वाला लेटर एक दूसरे का ऑपोजिट होगा। आप देख पा रहे हो वन का पोजीशन वन है और एक, सॉरी ए का पोजीशन वन है और जेड का 26 है, जब मैं वन और 26 को ऐड करूंगा तो क्या होगा 27। तो यहां से क्या सीखा आपने, इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर किसी भी लेटर के, किसी भी दो लेटर के पोजीशन का सम अगर 27 आता है वो दोनों लेटर एक दूसरे के ऑपोजिट लेटर हैं। दूसरा एग्जांपल लेता हूं, सपोज मैं लेता हूं बी, बी
तो आप B से बता सकते हो B का पोजीशन क्या है 2, तो B का मैं ऑपोजिट पूछूंगा, आप बोलोगे 2 के साथ अगर 25 को ऐड करूंगा तो 27 होगा, इसका मतलब 25 वाले प्लेस पर जो भी लेटर होगा वो B का ऑपोजिट होगा, और 25 वाले प्लेस पर हमारा क्या होता है Y, तो आप बोलोगे B का ऑपोजिट क्या है Y है और Y का ऑपोजिट B। तो क्या बार बार ये सब करने के बाद ही चल पाएगा पता कौन किसका ऑपोजिट है? नहीं, इससे बचने के लिए मैं थोड़ा सा कुछ आपको बताने जा रहा हूँ, और जैसे आप मैसेज वगैरह टाइप करते हो उसी तरीके से एक छोटा सा स्लोगन कह लो आप या लाइन कह लो आप, जैसे मैं मेरे दिमाग में आज मैं लिखू आज को नॉर्मली आपको मैं ऐसे लिखना सिखा रहा हूँ, आज को लिखना आप ए और जेड, आज मन से मैं बोलने जा रहा हूँ, आज मन से मन को मैं लिख रहा हूँ एम और एन, आज मन से और मन से देखना बीच में हिंदी भी डाल रहा हूँ, हिंदी वाले वैसे लेटर डाल रहा हूँ जो सबको यूज ना हो, आज मन से श्री पी के साहब, श्री एस एच आर आई श्री, और पी के साहब क्यों लाया क्योंकि पी के मूवी से आपको याद रहेगा पी के साहब, आज मन से श्री पी के साहब, आज मन से श्री पी के साहब, आज मन से श्री पी के साहब जीटी रोड द्वारा, जीटी रोड नॉर्मली हर जगह से जीटी रोड पास होता है, और दिल्ली में भी है, बिहार में भी है, झारखंड में भी है, हर जगह है, यूपी में है, और जीटी रोड को किसने बनवाया था शेरशाह सूरी ने, आज मन से श्री पीके साहब जीटी रोड द्वारा अपने प्यारे मित्र आज मन से श्री पीके साहब जीटी रोड द्वारा अपने प्यारे मित्र और मित्र का नाम था जेक्यू और डीडब्ल्यू, आज मन से श्री पीके साहब जीटी रोड द्वारा अपने प्यारे मित्र जेकी और डीडब्ल्यू मिलने गए, कैसे मिलने गए एक टैक्सी से, टैक्सी का नाम क्या था एक्सी, टैक्सी से याद रखना है एक्सी, आज मन से श्री पीके साहब जीटी रोड द्वारा अपने प्यारे मित्र जेकी और डीडब्ल्यू से एक्सी नाम के टैक्सी से मिलने गए, इसका कोई यूज नहीं है, एक्सी नाम के टैक्सी से मिलने गए। चलो भाई बता रहा हूं मैं क्यों ये लिखना सिखा रहा हूं आपको, क्यों ये थोड़ा सा दो बार चार बार पढ़ते आपको याद हो जाएगा, फटाफट आप जवाब दे पाओगे। तो मैं क्या लिखा अभी तक, आज मन से श्री पीके साहब जीटी रोड द्वारा अपने प्यारे, प्यारे के बदले मैं यूज कर रहा हूं लव, मित्र का नाम था जेक्यू और डीडब्ल्यू से एक्सी नाम के टैक्सी से आपको एक्सी याद है इसलिए मैंने टैक्सी और एक्सी वर्ड लाया, एक्सी से मतलब है, टैक्सी से यहाँ कोई मतलब नहीं है, मिलने गए इनकी मित्रता को देखकर, नॉर्मली होता है जब आप मिलने जाते हो आस पास जो पड़ोसी होते हैं आपके दोस्त को देखकर जलते हैं थोड़ा, इनकी मित्रता को देखकर या इनकी दोस्ती को देखकर पड़ोसियों ने उफ किया और इनको बाय कर दिया। अब देखने की ये जरूरत है कि ये जो मैंने एक स्लोगन सा तैयार किया है इसका यूज क्या है, सर इतना बड़ा सा लिख दिया आपने, आ जाओ मैं देखता हूँ, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, आइए ध्यान से, बहुत ही मजा आएगा, आइए ध्यान से, ये आज ये मन से श्री का मतलब एस और एच को एक साथ लेना और आई को एक साथ लेना, पीके मूवी बिल्कुल याद रहेगा, किसी कोई बच्चा नहीं भूलेगा, जीटी रोड बिल्कुल इस रोड से आप नोन है, लव एल ओ एक साथ वी ई एक साथ, मित्र का नाम क्या था जेक्यू और डीडब्ल्यू से मिलने गए, एक्सी नाम के टैक्सी से, और इनकी दोस्ती को देखकर पड़ोसियों ने उफ किया और अंत में इनको बाय कर दिया। देखो कितना मजेदार चीज है ये,
ये मैंने जो लिखा है इसमें 26 के 26 अल्फाबेट्स आ चुके हैं, ध्यान दीजिए आप। ए जेड दो हमारे हो गए, दो दो चार, दो छः, दो आठ, दो दस, दो बारह, दो चौदह, दो सोलह, दो अठारह, दो बीस, दो बाईस, बाईस और उफ वाला हो गया 24 और बाई वाला हो गया हमारा 26। क्या फायदा है इसका? इसका फायदा ये है कि आप कभी भी सम करने के बाद जो ऑपोजिट लेटर मिलता है 27, जब किसी दो लेटर्स के पोजीशन का सम करते हैं और 27 मिलता है, इससे आप बच जाओगे। पहली बात आ जाओ, छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं लिख रहा हूं अगर किसी लैंग्वेज में लव को लिखा गया, लव को क्या लिखा गया, O L E V, तो पूछा गया है हेट को क्या लिखा जाएगा, क्या पूछा गया, हेट को क्या लिखा जाएगा जी, आपने ये बताना है। मेरी बात को सुनना आप ध्यान से, लव क्लियर है, लव तो अचानक मेरे दिमाग में बात आती है कि अभी जो मैंने ये तैयार किया था लव, इसका मतलब यहाँ हुआ एल का ऑपोजिट ओ का ऑपोजिट है, V का ऑपोजिट E, E का ऑपोजिट V, ये सब मैंने एक दूसरे का ऑपोजिट दिया है, A का ऑपोजिट Z, Z का A, M का N, N का M, S का H, H का S, R का I, I का R। तो जैसे ही ये बात मेरे दिमाग में है, अच्छा लव लव, तो L का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, O मुझे दिख रहा है, O का ऑपोजिट क्या होना चाहिए, L, L का O, O का L ये दिख रहा है, V का होना चाहिए E और E का होना चाहिए V, मतलब मैं देख रहा हूँ सारे अल्फाबेट्स के ऑपोजिट लेटर राइट हैंड साइड में लिखा गया है। तो हेट, अब हेट एच, एच से आपके दिमाग में कौन सी बातें याद आ रही है, आज मन से फ्री एस एच, फ्री एच कहां मिलता था, एस के साथ, तो एच का ऑपोजिट क्या हो जाएगा बच्चों यहां पर, एस। ए दिखा मुझे, अच्छा ए आज, ए ए से क्या याद आता है, आज, यानी ए का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जेड, टी टी, जी टी, जीटी रोड, जीटी रोड से आपको याद आया टी का ऑपोजिट क्या है, जी, एंड ई, ई कहां मिलता था, लव के अंदर, वी का ऑपोजिट ई और ई का ऑपोजिट वी, योर फाइनल आंसर इज एस जेड जी वी। तो ऑपोजिट लेटर के लिए अगर आप ये स्लोगन अगर आपको याद करना टफ ना लगे तो प्लीज इसको आप आराम से दो बार चार बार कुछ नहीं करना है, दिमाग में आज ए जेड याद किया, मन एम एन, एम का उल्टा एन, एन का उल्टा एम, थ्री एस एच, एच एस, आर का आई, आई का आर, टी के साहब, टी के मूवी से टी याद रहा, टी का उल्टा के का उल्टा पी, जी टी रोड, जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी। इसी तरीके से आपको दोस्त का नाम याद रखना है जे क्यू और टी डब्ल्यू, दोस्त का नाम याद रखना है, और टैक्सी से नाम रखना है टैक्सी और बाय बराबर करते हो आप लोग, और उफ पड़ोसियों ने देखकर उफ किया, तो इससे सारे के सारे अल्फाबेट्स के ऑपोजिट लेटर्स आप समझ पाए और इसको यूज भी करना सीखेंगे आप। तो दिमाग में अब कोडिंग डिकोडिंग की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या इंपॉर्टेंट बात है, नंबरिंग करके ही काम करना है, बट जहां ऑपोजिट मिल जाए वहां नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल एक दो क्वेश्चन मैं लेता हूं आपके सामने कोडिंग डिकोडिंग के, बड़े अच्छे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर वन, अगर किसी भी लैंग्वेज में, क्वेश्चन हमारा ऐसा है ध्यान से देखना है, क्वेश्चन हमारा ऐसा है किसी लैंग्वेज के अंदर B-R-A-I-N, brain, brain को लिखा गया, क्या लिखा गया brain को, brain को लिखा गया C-S-B-Z-O, C-S-B-Z-O, किसी भी लैंग्वेज में brain को लिखा गया C-S-B-Z-O, sorry J-O, C-S-B-J-O, तो आपसे पूछा जा रहा है कि maker को क्या लिखा जाएगा, M-A-K E-R, maker को आप क्या लिखोगे। बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल अच्छे से देखना, कोडिंग डिकोडिंग से आसान कोई भी चैप्टर नहीं है, इस बात को आप दिमाग में अच्छे तरीके से बैठा लो। ये हर एंट्रेंस एग्जाम में फ्री फंड के 3 से 5 क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको मार्क्स मिल जाते हैं। रीजनिंग के सारे टॉपिक मैं डिस्कस करूंगा इस चैनल पर, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ऐसा नहीं कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट किया और आगे चैप्टर आने बंद हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल आप नहीं सोचना। तो बी, सबसे पहला जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान रखना आपने नंबरिंग कर देनी है, सबके ऊपर नंबर डाल देना है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, धीरे धीरे बहुत ही आसान रहेगा। तो बी, बी का पोजीशन है हमारा जी, बी का हमारा जी पोजीशन है टू, बी कहां होता है, B
B का पोजीशन नंबर 2, ये तो A भी सबको पता है। अब R की बात आती है, R का पोजीशन जिस वे से मैं समझा रहा हूं उसी वे से आप चलना, आपकी आदत होती है R के पोजीशन की बारी आती है A B C D E F G H आप काउंटिंग करना स्टार्ट करते हो, ये अच्छी आदत नहीं है, आपने काउंटिंग बिल्कुल नहीं करनी है, R पर जाना है कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दिमाग में सी फिलोरक्स आता है, सी एफ आई एल ओ आर, और ये तीन का मल्टीपल है तो 6 पोजीशन पर आ रहा है ना, तो 3 6 18, सो आर का पोजीशन क्या है हमारे पास, आर का पोजीशन है जी 18। ए का पोजीशन हर किसी को पता है, काउंट करने की जरूरत भी नहीं है। 1 आई सी एफ आई तीसरे पोजीशन पर आ रहा है, सी एफ आई 3 3 9, सो आई इज 9। अब बारी आती है एन का पोजीशन क्या होगा, तो आप ध्यान से देखो इजोटी ही चलता हूं मैं, किसी से मैं ला सकता हूं इजोटी ई जे ओ, लेकिन ओ से पहले क्या आता है एम, ओ से पहले क्या आता है एन और एन से पहले एम, तो अगर ओ हमारा 15 है तो ओ से पहले एन, एन हमारा क्या हो जाएगा 14, सो एन का पोजीशन 14। फिर देखो थोड़ा सा भी आपको टाइम लग रहा होगा बट इस वे से चलोगे स्पीड भी मेंटेन हो जाएगी और एक्यूरेसी भी मेंटेन रहेगा आपका, इतना विश्वास करना। अब मैं राइट हैंड साइड में चल रहा हूँ, सी का पोजीशन 3, पोजीशन ऑफ सी 3, पोजीशन ऑफ एस एस, तो अब एस के बारे में सोचना नहीं है, आपने अभी देखा क्वेश्चन के अंदर आर का नाम आर, आर के बारे में बोला आपने 18, तो एस को आप बोलोगे 19। डी हर किसी को पता है 2, जे इजोटी, जे इजोटी ई जे यानी 5 5 10, 5 5 10, जे में क्या हो जाएगा हमारा 5 5 10, ये 10 हो गया हमारा, इजोटी ई जे ओ, सो ओ इज 50। इजोटी और सी फ्लोरक्स के हेल्प से मैंने इसको तैयार किया। अब आप इन दोनों के बीच एक रिलेशन देखोगे, तो मैं रिलेशन देखने जा रहा हूं, क्या है रिलेशन इनके बीच, रिलेशन कुछ इस तरह का है, ये 2 जो है हमारा, ये 2 हमारा 3 में कन्वर्ट हो जाता है, 18 हमारा 19 हो जाता है, 1 हमारा 2 हो जाता है जी, और 9 हमारे 10 हो जाते हैं, और जो 14 है हमारा ये 15 हो जाता है, जो 14 है हमारा, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड के यानी ब्रेन का जो जो पोजीशन ऑफ जो जो लेटर का पोजीशन था एक एक बढ़ता चला गया, कोई सेकंड पोजीशन पर था वो थर्ड हो गया, कोई फिफ्थ पर था वो सिक्स हो गया, कोई 18 पर था वो 19 हो गया। तो आइए मेकर का क्या होगा, पहले मैं मेकर में मेकर के सारे लेटर्स के पोजीशन को लिखता हूँ। एन अगर हमारा 14 है, ऑब्वियस सी बात है एम हमारा क्या होगा 13, एम क्या होगा हमारा 13। ए आपको पता है ए इज 1, के के बारे में साफ साफ दिख रहा है, अगर जे हमारा 10 है तो जे के बाद क्या आता है के क्या होगा हमारा 11, एंड ई हमारा क्या होता है 5, ई हमारा होता है 5 अकॉर्डिंग टू इजोटी, एंड आर ऑलरेडी आर के बारे में आपने क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है आर क्या हमारा 18, आर क्या हमारा 18। तो ये मैंने सबसे पहला काम किया मेकर के लेटर्स के पोजिशन को आराम से कौन सा लेटर का कौन सा नंबर है इसको लिख दिया। अभी आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा लेकिन मैं समझा रहा हूँ, बाद में बहुत ही अच्छा लगेगा ये मेथड। आ जाओ तो आंसर, पहले वाले में क्या रिलेशन देखा था, लेफ्ट वाले से राइट वाला हमेशा 1 इंक्रीज करता चला गया। अब जो मैं आंसर फॉर्म करूंगा वो अगर 13 है हमारा तो 13 से क्या हो जाएगा 14, 13 से क्या हो जाएगा 14, 1 हो जाएगा हमारा 2, 11 हो जाएगा हमारा 12, 11 हो जाएगा 12, 5 हो जाएगा 6 और 18 हो जाएगा 19, 5 हो जाएगा 6 और 18 हो जाएगा 19, 5 हो गया हमारा 6 और 18 हो गया 19। तो मैंने नंबरिंग कर ली और इस नंबर पे जो जो लेटर आते हैं उसको आप लिख दो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। तो क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, सबसे पहले मुझे लिखना है 14, तो 14 आपको पता है 14 क्या होता है, तो 14 होता है जी n, 14 क्या होता है n, ठीक है। 2 क्या होता है हमारा b, 2 क्या होता है b, 12 क्या होता है सॉरी 12 क्या होता है, तो अगर k हमारा 11 है तो l होगा हमारा 12, L होगा हमारा 12, 6 क्या होता है, E अगर हमारा 5 है तो F होगा हमारा 6, और 19 अगर R हमारा 18 है तो 19 होगा हमारा S, 19 क्या होगा S, अगर R हमारा 18 है तो 19 होगा S, और ये फाइनल आंसर ही आंसर आपके सामने है। बहुत ही आसान था क्वेश्चन और आंसर हमारा आ गया NBLFS, योर फाइनल आंसर इज NBLFS, योर फाइनल आंसर इज NBLFS। तो साथियों दोस्तों
कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन नंबरिंग करके मैं सिखाया, कुछ बच्चे को ऐसा लगा होगा क्या जरूरत थी सर, ये सीधा मैं बी से सी लिख देता, आर से एस लिख रहा हूँ, ए से बी लिख रहा हूँ, आई से एन से, मतलब बढ़ता चला गया, आपने बढ़ा के आंसर बोला था। तो यहाँ आपको अच्छा लगेगा ये प्रोसेस, क्योंकि आपको सिंगल सिंगल का गैप मिला। तो पहली बात, कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न को आप समझो, कितने पैटर्न के आपको क्वेश्चन मिलेंगे कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर। जैसे समझना, मैं पैटर्न बनाने जा रहा हूं, मैं क्वेश्चन इसके बाद लाऊंगा कोडिंग डिकोडिंग के, एक साथ 200 250 300 क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाए जाएंगे कोडिंग डिकोडिंग के, काफी है। और जैसे पैटर्न पैटर्न मैं समझा रहा हूं आपको, ये एक, ये दो, ये तीन ऐसा लिखा हुआ है, यहाँ भी एक दो और तीन, तो क्या क्या रिलेशन हो सकता है, मेरी बात को आप समझना। पहले मैं तीन तीन वाले का रिलेशन आपको बताने जा रहा हूँ, तीन तीन के साथ मेरा रिलेशन कैसा होगा आप ये देखना। पहले तीन तीन वाले को समझो, फिर आप चार चार वाले को समझना, फिर पांच पांच वाले को समझना। ये तीन तीन चार चार पांच पांच है क्या, इन डॉट की जगह पर अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, कुछ भी सिंबल हो सकता है। पहली बात, इस वक्त एक तो ऐसा पैटर्न हो सकता है हमारा, एक तो हमारा पैटर्न ऐसा हो सकता है जी ये देखो जी ध्यान से, ये पैटर्न हुआ हमारा, यानी बिल्कुल एक दूसरे के साथ रिलेशन, या तो ये प्लस 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 हो रहे हैं आपस में, या तो ये माइनस 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 हो रहे हैं। अब वो प्लस प्लस वन भी हो सकता है, प्लस टू भी हो सकता है, प्लस माइनस प्लस भी हो सकता है। इस वाले केस में या तो इसका रिलेशन इसके साथ, इसका इसके साथ, और बीच वाले का बीच के साथ, ये दूसरा पैटर्न देखा आपने। और थर्ड वाले पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो ऐसा हो सकता है पहले वाले का सबसे आखिरी के साथ, सेकंड वाले का उसके साथ, और थर्ड वाले का सबसे पहले के साथ। मतलब कहने का मतलब ये है, पैटर्न कहीं भी किसी भी तरह का हो सकता है, कुछ भी एडिशन में हो सकते हैं, कुछ भी सब्ट्रैक्शन में हो सकते हैं, कभी प्लस टू माइनस टू, प्लस थ्री माइनस थ्री, प्लस फाइव, कुछ भी चल सकता है पैटर्न। मतलब एक रेक्टिफिकेशन नहीं होनी चाहिए कि वन वन का ही गैप मिलेगा। हो सकता है आपको ऐसा मिल रहा हो, पहले प्लस वन हो रहा है, फिर प्लस टू, फिर प्लस थ्री, फिर प्लस फोर, कभी ऐसा हो सकता है प्लस वन माइनस टू, प्लस थ्री माइनस फोर, पैटर्न को समझना आप। कभी ऐसा हो सकता है प्लस वन प्लस वन प्लस वन, आगे चल रहा है माइनस टू माइनस टू माइनस टू, इस तरह के पैटर्न भी दिखते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोडिंग डिकोडिंग के पैटर्न को आप अच्छे से पकड़ पाओ कि हाँ कौन सा पैटर्न, और ये तभी कर पाओगे जब आप उसके पोजीशन को, उसके नंबरिंग को वहां लिखोगे, तभी आप पकड़ सकते हो, अदरवाइज नहीं पकड़ सकते हो। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखता हूं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, देखना। क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है कि मैं लिखता हूं एम ओ एन यू एम ई एन टी, एम ओ एन यू एम ई एन टी मोनूमेंट को लिखा गया, क्या लिखा गया, इसको लिखा जा रहा है 4653 4552 4552। ये अपने पास क्वेश्चन है। अगर मोनूमेंट को 4653 4552 लिखा जाएगा तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पी आर आई पी आर आई एन सी आई पी आर आई एन सी आई पी आई ए एन टी पी आई ए एन टी को क्या लिखा जाएगा, प्रिंसिपिएंट को क्या लिखा जाएगा अगर मोनूमेंट को 4653 4552 लिखा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात तो मैं एक काम कर रहा हूँ, काउंट कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी अल्फाबेट इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ अल्फाबेट इक्वल नहीं है, कोई बात नहीं। अब मेरे दिमाग में आती है बात, अभी सर आपने बताया था मार्किंग करना, चलो भाई मार्किंग करते हैं। अगर मैं मार्किंग करता हूँ, मेरी बात को आप सुनो अब ध्यान से, मैं यहाँ चला गई मार्किंग करने, मैं चला यहां मार्किंग करने, आप बिल्कुल ध्यान से देखो एम का पोजीशन क्या होता है, तो पोजीशन ऑफ एम इज 30, पोजीशन ऑफ एम इज 30। ओ का पोजीशन क्या होता है, देखो पोजीशन आपको बहुत ज्यादा काम देगा, इस बात को समझना। ओ का पोजीशन क्या होता है 15, एन का पोजीशन क्या है 14,
n का पोजीशन 14, u का पोजीशन 21, u का पोजीशन 21, अगेन n का पोजीशन 13, e का पोजीशन 5, n का पोजीशन 14, t का पोजीशन 20। मैं फास्ट लिख रहा हूं, आप भी लिखोगे, क्योंकि जैसे t आता है मेरे दिमाग में बातें चलती है, जो t यानी t फोर्थ पर है तो 5 × 4 = 20। तो ये 13, 15, 14, 21, 13, 5, 14, 20 ये सब लिख तो दिया सर, लेकिन लिखने के बाद कोई रिलेशन नहीं दिख रहा इसके अंदर, बिल्कुल नहीं दिख रहा। थोड़ा सा आप ध्यान दोगे, आप क्या देख रहे हो, इस 13 को अगर मैं सम करूं तो क्या मिला 4, इस 15 को अगर मैं सम करूं तो क्या मिला, सम का मतलब 1 और 5 का मैं सम किया, 14 को मैंने सम किया 1 और 5 तो क्या मिल रहा है 5, 21 का मैं 2 और 1 सम किया क्या मिला 3, 13 के मैंने 1 और 3 को सम किया क्या मिला 4, 5 अकेला है सम नहीं करूंगा 5 5 रहेगा, 14 के दोनों डिजिट को मैं सम कर रहा हूं 1 + 4 5 क्या मिला 5, 20 के मैं दोनों डिजिट को सम करूंगा 2 + 0 मुझे मिल रहा है ये 2। यानी क्लियर हो गया, जो माउंट जो मॉन्यूमेंट के पोजीशन थे लेटर्स के उनके डिजिट का आपस में सम को लिख के कोड किया गया है, इसको क्लियर है। तो आगे मैं चलता हूं, तो सबसे पहला काम क्या होगा मेरा, प्रिंसिपिएंट के सारे पोजीशन को लिखना। तो पी का पोजीशन क्या होता है 16, पी का पोजीशन क्या होता है 16, पी का पोजीशन हमारा 16 है, आर का पोजीशन आर हमारा 18 है, आई सी एफ आई आई का पोजीशन 9 है, एन एन का पोजीशन 14 है, एन का पोजीशन 14 है, ऐसे सी का पोजीशन 3 है, आई का पोजीशन 9 है, पी का पोजीशन 16 है, आई का पोजीशन 9 है, ए का पोजीशन 1, एन का पोजीशन 14 एंड टी का पोजीशन 20। मैंने पोजीशन लिखी, मार्किंग कर लिया, अब आंसर आपको पता है, हर बच्चों को आंसर पता है 1 और 6 का मैं सम करूंगा तो आंसर क्या मिलेगा 7, 1 और 8 9, 9 अकेला है 9 रहेगा, 1, 4, 5, 3 अकेला है 3 रहेगा, 9 अकेला है 9 रहेगा, 1, 6, 7, 9 अकेला 9 रहेगा, 1 अकेला 1 रहेगा, 1, 4, 5 एंड 2 प्लस 0 इज 2। Your final answer is 7995397915 your final answer। तो नंबरिंग का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये बातें आपको समझ आ रही होगी मेरा ये वीडियो। जो बच्चे एमकॉम एंट्रेंस देते हैं, जो बच्चे CACPT के अंदर अभी टॉपिक ऐड किया गया है कोडिंग डिकोडिंग, DUZ के बच्चे, बैंक SSC के बच्चे, रेलवे के बच्चे, नबार्ड के बच्चे, LIC के बच्चे, मतलब जितने भी इन एग्जाम को देने वाले बच्चे हैं सबके लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल है। छोटा सा मैंने आपका बेस तैयार किया कोडिंग डिकोडिंग को, आपको बस एक काम करना है, खुद से रैंडमली पूछना है, जैसे बैठे हो आप आराम से और आपके दिमाग में आया एल का पोजीशन क्या है, एम का पोजीशन क्या है, क्यू का पोजीशन क्या है, आर का पोजीशन क्या है, एस का पोजीशन क्या है, ये आपको खुद से बातें करनी है और देखना है आप जो पोजीशन बता पा रहे हो वो सही है या गलत। तो बच्चों मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने कोडिंग डिकोडिंग का बिल्कुल छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दिया और थोड़ा सा एक और क्वेश्चन देने के बाद फिर मैं टॉपिक को चेंज करूंगा। तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लो आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। इसमें ऐसा बोल रहा है कि अगर किसी भी लैंग्वेज के अंदर dark को क्या लिखा गया है CEZBQSJL, ये dark को कोड किया गया है CEZBQSJL से, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है लैंप को LAMP लैंप को क्या कोड किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, फिर पहले की तरह मैं वैसे ही चलूंगा, जो आदत है मैं सबके नंबरिंग को डी का पोजीशन 4, ए का 1, आर का 18 और के का 11 लिख तो लिया। राइट में भी चलते हैं पोजीशन, सी का पोजीशन क्या है 3, E का पोजीशन 5, Z का 26, B का 2, Q का 17, S का 19, E जो 10, L और L का पोजीशन है 12। जब तक आप नंबरिंग नहीं करोगे आप रिलेशन को नहीं ढूंढ पाओगे, इस बात को जान लेना। क्या हो रहा है यहाँ, पहली बात मैं देख रहा हूं, ध्यान से देखना क्या हो रहा है, ये 3 और
5 के बीच का जो डिजिट था वो यहां दिख रहा है। 26 के बाद में 1 काउंट करता, 26 और 2 के बाद जो 1 है वो यहां दिख रहा है। 17 के बाद में 18 काउंट करता, 17 के बाद जो 18 है वो यहां दिख रहा है, और 10 के बाद में 12 काउंट करता, 11 काउंट करता, 11 जो है मेरा यहां है। मतलब ये D का जो 4 है इससे एक पहले वाला और इससे एक बाद वाला लेटर लिख देना है। ये 1 जो है हमारा 1 से एक पहले वाला, 1 से पहले क्या होगा 26, 1 2 से लेके 26, 26 और वापस 1, और 1 से पहले पूछा जाए तो क्या बोलेंगे हम लोग 26। तो 1 से एक पहले और इसके एक बाद वाले को यहां लिख देना है, 18 से एक पहले यानी 17 और 18 से एक बाद 19 वाले पोजीशन को यहां लिखना है, 11 से एक पहले 10 और इसके एक बाद 12 वाले को यहां लिखना है। पहली बार अब मैं लैंप को नंबरिंग कर लेता हूं। लैंप का नंबरिंग क्या होगा हमारा, तो ये होगा हमारा L, मेरा क्या होता जी L होता हमारा, L है हमारा 12, L हमारा 12, A हमारा 1 और M हमारा 13 और P हमारा 16। ये काम कर लिया, ध्यान से मेरी बात को सुनना आप। मेरा काम क्या हुआ, 12 से पहले 1 दैट इज 11 और 12 के बाद 1 13 यहां लिखूंगा। दूसरा पार्ट क्या होगा हमारा, फिर 1 से 1 पहले 26, 1 के 1 बाद 2 यहां लिखूंगा, 13 से 1 पहले 12 और 13 के 1 बाद 14 यहां लिखूंगा, और 16 से 1 पहले 15 और 16 के 1 बाद 17 यहां लिखूंगा। ये पोजीशन आ गया, अब बस आपको अल्फाबेट इसके सामने रखने हैं। तो नॉर्मल सी बात है, L से पहले क्या होगा 11 हमारा K, 11 H K, 13 क्या होगा M, 13 क्या होगा M, Z हो गया 26, Z हो गया 26, B हो गया 2, 12, 12 क्या होगा हमारा वापस L, L is 12, 14, 14, 14, 14, 14 क्या होगा M is 13, so N is 14, 15 क्या होगा O is O is 15 and 17 की बात करूं, 17 क्या होगा Q, your final answer is K M Z B L N O Q, K M Z B L N O Q is your final answer। तो देखा आपने, अभी अगर मैंने 3 से 4 क्वेश्चन करवाए कोडिंग डिकोडिंग के, तो 3 से 4 के सारे क्वेश्चन अपने आप में डिफरेंट थे, वैरायटी आपको मिलेगी, जितने भी तरह की वैरायटी है इसके अंदर वो सारा का सारा मैं अपलोड करूंगा। प्लीज इतना ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने यार दोस्तों में जहां तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रहा उनसे शेयर करो आप, इससे कहीं ना कहीं हम लोगों का भी हौसला बुलंद होता है कि हाँ भाई बच्चे कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो प्लीज लाइक माय चैनल एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।